अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आने वाला 2023 हम सबको और आप सबको बहुत 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 आप खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की रेसिपी, ये है हड्डियाँ, मज़ेदार हड्डियाँ। गुड्डियों का सालन बना रही हूँ। इसमें मैंने 2 किलो मैंने हड्डियाँ ली हैं, मैंने 2 किलो ये हड्डियाँ गुड्डियाँ ली थी। इसको मैंने बॉयल करने के लिए खूब अच्छी तरह इसको वॉश करके खूब साफ करके मैंने इसको गलाने के लिए इसको रख दिया था। मैंने इसमें नमक डाल था और मैंने इसको रात भर के लिए गलाने के लिए छोड़ दिया था। अब देखें कितनी अच्छी गल गई हैं। और अब मैं इधर सालन इसका सालन मैं बना रही हूँ, इसका मसाला बना रही हूँ। मैंने इसमें एक छोटी गट्ठी प्याज हल्की सी ब्राउन करके इसको निकाल लूँगी। और इसमें मैंने चार बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली थी, 2 चम्मच मैंने पिसा धनिया डाला था और 2 चमचे मैंने लाल पिसी मिर्च डाली थी और एक चमचा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का डाला था। हल्दी डाली थी मैंने, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली थी। नमक डाला था और नमक एहतियात से डाली है क्योंकि मैंने उसमें हड्डियों में भी डाला था। थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला, साबुत गर्म मसाला, मैंने ये प्याज अलग फ्राई करके निकाल ली थी, केवड़ा डाला और मैंने ये प्याज और लहसुन अदरक मैंने इसी में पीस लिया था, प्याज नहीं। अब मैंने ये डाल दिया मसाला भूनने के लिए। अब ये मसाला भुनेगा खूब अच्छी तरह, इसका मसाला खूब भुनेगा ये। इसमें मैंने दही भी डाला था, दही मैंने मेरे से मिस हो गया, दही भी मैंने इसमें डाला था। तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा, आधी प्याले से ज़्यादा मैंने दही डाला था। एफल जवत्री का और छोटी इलायची का पाउडर है, साबुत भी मैंने डाली और ये भी डाली है। प्याज, अब ये मसाला भुन गया ये, इसमें मैंने मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत मज़े की बनती है ये, बिल्कुल पायो जैसा टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सर्दियों की बहुत अच्छी सौगात है। अभी इसमें मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और जो कसर है इसमें जो थोड़ी बहुत रह गई है वो मसाले के साथ। और ये प्याज मैंने ब्राउन करके जो उठाई थी मैंने ऊपर से डालूंगी, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ये भी मैं ऊपर से इसको डालूंगी मैं, इससे इसका जायका बहुत अच्छा, बिल्कुल पायो जैसा टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, सर्दियों की ये बहुत अच्छी सौगात है, ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। प्लीज़ आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और इसको तंदूर की रोटी के साथ आप लोग खाइएगा, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, ये बहुत मज़े की बिल्कुल पायों जैसा टेस्ट आता है। आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।